शिमला मिर्च और आलू डेफिनेटली सबका एक अलग अलग तरीका होता है बनाने का। सो यहाँ पे मेरा ये तरीका है जो मैंने मेरी मॉम से सीखा है और ये ऑफिस के लिए काफ़ी अच्छा होता है। मॉर्निंग के टाइम के लिए सब्जी काफ़ी बेस्ट होती है बिकॉज ये 10 से 15 मिनट लगता है इसको बनने में और मैंने इसमें टमाटर यूज़ नहीं किया तो जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। सो मैंने लहसुन का कुछ इस तरीके से पकड़ की मदद से किया था और मैंने मिर्च 3 से 4 मिर्च लिया है जिसको मैंने कट किया है बीच में से और कड़ी पत्ता। यहाँ पे मैंने तेल लिया है, तेल लाल होने के बाद मैंने इसमें जीरा ऐड किया है। जीरा अच्छी तरीके से लाल हो जाने के बाद मैंने इसमें कड़ी पत्ता ऐड किया है। कड़ी पत्ता अच्छी तरीके से लाल हो जाए तो मैंने इसमें लहसुन और मिर्च जो मेरी कटी हुई थी मैंने वो ऐड किया है। इसको अच्छी तरीके से लाल हो जाने के बाद मैंने काफ़ी थोड़ा सा प्याज दिया, बहुत ज़्यादा नहीं, काफ़ी थोड़ा सा प्याज मैंने इसमें ऐड किया और उसको अच्छी तरीके से भून लिया है। जब भी मेरा मसाला थोड़ी अच्छी तरीके से तैयार हो जाए तो मैंने इसमें आलू डाला है। आलू मुझे इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है सब्जी में, इसके लिए आलू को हम स्टीम करेंगे, मतलब उसको हम ढक ढक करके रखेंगे तो उसके धुएं से जो आलू है वो पक जाएगा। यहाँ पे मेरा आलू पक चुका है तो मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड किया। अब शिमला मिर्च को हमें तब तक चलाना है जब तक कि उसका जो पानी है वो जो पानी शिमला मिर्च रिलीज़ करता है जब तक वो पानी सूख ना जाए, इसको बिल्कुल फास्ट करके मुझे चलाते ही रहना है। अब यहाँ पे मैं मसाला ऐड कर रही हूँ जो कि मैंने गरम मसाला लिया है घर का बना हुआ, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर काफ़ी थोड़ा सा, और मैंने इसमें पानी ऐड करके इसका घोल बना लिया है। अब मेरा जो सब्जी है उसका पानी जो है वो सूख चुका है बिल्कुल तरीके से, तो मैंने इसमें नमक ऐड किया है और जो मैंने मसाला भी रेडी किया था वो मैंने इसमें ऐड किया और इसको अच्छी तरीके से चलाना है। पानी वगैरह इसमें कुछ नहीं डालना है, ना टमाटर का प्यूरी डालना है, और मैंने इसको ढक करके रख दिया है। यहाँ पर मैं सिंगदाना इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, तो ये भून करके पीस करके रखा हुआ है। अब अच्छी तरीके से जब पानी सूख जाए तब इसमें इसको ऐड करना और इसको 2 से 3 मिनट ही चलाना है। जब आपका शिमला मिर्च और आलू अच्छी तरीके से पक गया हो लास्ट में जब आपको लगे कि आप इसको आपको उतारना है। अभी तैयार है हमारा शिमला मिर्च और आलू और ये काफ़ी अच्छा लगता है खाने में, प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिए। आई होप आप सबको